सुप्रभात मेरे दोस्तों, मेरा नाम शौर्य शर्मा है। मैं कक्षा चतुर्थ में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जीवन का लक्ष्य। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण के लिए गए थे, तो वे वहीं सायकाल भ्रमण कर रहे थे। तो तभी उन्होंने देखा कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देखकर उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और वह बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये आप कैसे कर लेते हैं? क्या आप कोई निशानेबाज हैं? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने लड़कों से कहा, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग और तन मन उसी एक काम में लगाओगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर तुम निशाने लगा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगाओ तो तुम कभी लक्ष्य से चूकोगे नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचो। उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी जी आज भी करोड़ों लोगों के आदर्श व्यक्ति हैं और उन्हें आदर्श मानने वाला व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है और निरंतर उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पते का पत्र, जो कभी कहीं नहीं जा सकता। धन्यवाद।